Bell's palsy. What is Bell's palsy? It is a condition that causes temporary weakness or paralysis of the muscles in the face and can occur when nerves that control facial muscle become inflamed, swollen or compressed. Bell's palsy जो होती है वो एक तरह की facial paralysis होती है. Facial paralysis मतलब कि जो हमारे facial muscles है उनमें weakness दिखाई देने लगे या फिर कहे paralysis हो जाए. और बॉडी में कहीं पैरालिसिस नहीं होगा, सिर्फ फेशियल मसल्स पे अगर पैरालिसिस हो तो उसको हम लोग बेल्स पाल्सी कहेंगे. ये क्यों हो सकता है? या तो वो नर्व इन्फ्लेम्ड हो गई या स्वॉलन हो गई या कंप्रेस्ड हो गई, इसके कारण वो फेशियल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को अफेक्ट करेगा. इट इज़ अ टाइप ऑफ फेशियल पैरालिसिस दैट रिजल्ट्स और इन विच देयर इज इनएबिलिटी टू कंट्रोल द फेशियल मसल ऑन द अफेक्टेड साइड. ये एक ऐसी टाइप की फेशियल पैरालिसिस है जिसके अंदर इनएबिलिटी हो जाती है अपनी फेशियल मसल्स को कंट्रोल करने की. वो पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता फेशियल मसल्स को जिस साइड भी वो अफेक्टेड है. सिम्टम कैन वेरी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर इन विच इट इंक्लूड मसल ट्विचिंग, वीकनेस और इनएबिलिटी टू मूव फेस वन और बोथ साइड. इसमें क्या होता है कि जो फेस होता है उसमें ट्विचिंग होने लगती है, वीकनेस दिखाने लगती है और इनएबिलिटी हो जाती है उस साइड के फेस को मूव करने की. कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं बेल्स पाल्सी के? तो पहला है कि ये कोई अननोन कॉज के कारण भी होता है, मतलब इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता. बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं लेकिन वो अभी नोन में नहीं है. कुछ वायरसेस इसमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि हर्ब्स वायरस, चिकन पॉक्स, साइटोमेगैलो, मम्स और इन्फ्लुएंजा. इन सब वायरसेस के कारण भी बेल्स पाल्सी हो सकता है. रिस्क फैक्टर में क्या आता है? तो रिस्क फैक्टर में होता है कि 15 से 60 साल के बीच में इस एज ग्रुप वालों में बेल्स पाल्सी देखने को ज़्यादा मिलता है. डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट्स रिस्क में आते हैं बेल्स पाल्सी के. अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज़ वाले पेशेंट भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में भी बेल्स पाल्सी हो सकता है. मैन एंड वुमेन बोथ आर अफेक्टेड, दोनों ही अफेक्ट होते हैं इक्वली. कोई फैमिली हिस्ट्री के कारण भी बेल्स पाल्सी हो सकता है. सिम्टम में क्या होगा? ड्रूलिंग होगी, डिस्फेजिया होगा, इनएबिलिटी टू मेक फेशियल एक्सप्रेशन होगा. ड्रूलिंग मतलब होता है कि जो साइड भी फेशियल मसल्स वीक हुई हैं, पैरालिसिस हुआ है, उस साइड सलाइवा का ड्रूलिंग होगा, मतलब वो बहने लगेगा. ऐसा वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि पर्सन इसलिए. और डिस्फेजिया मतलब कि वो पर्सन बोल नहीं पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी, डिफ़िकल्टी होगी. इनएबिलिटी टू मेक फेशियल एक्सप्रेशन, वो पर्सन फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दे पाएगा, जैसे कि वो कब हैप्पी है, वो कब सैड है, कब वो रो रहा है, उसके फेस में हमको ये फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देखने को मिलेंगी. मसल ट्विचिंग होगी फेस में, उसको एकदम खिंचाव जैसा लगेगा, ट्विचिंग होगा. ड्राई आई एंड माउथ दिखाई देगा, क्योंकि ड्राई आई होगा क्योंकि वो जिस साइड में पैरालिसिस है वो साइड की आईलिड्स को बंद नहीं कर पाएगा, इसी के कारण जो आईज होंगी वो ड्राई लगने लगेंगी. माउथ को भी वो चला नहीं पाएगा अच्छे से, जिसके कारण माउथ भी ड्राई होने लगेगा. हेडेक हो सकता है, सेंसिटिविटी टू साउंड हो सकती है, बहुत तेज आवाज़ को सुनने में उसको अजीब सा लग सकता है. इरिटेशन ऑफ आई हो सकता है, चेंज इन टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे नर्व डैमेज हो रही है इसलिए टेस्ट में भी कुछ चेंजेस तो आएंगे ही. डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो ब्लड टेस्टिंग करेंगे, MRI और CT स्कैन करेंगे, हिस्ट्री पूछेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे. ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं? तो हम उस पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं जिसमें कि प्रेडनिसोन आता है, IBUPROFEN और एसिटामिनोफेन जो कि पेन को कंट्रोल करेगा, एंटीवायरल एजेंट्स देंगे जैसे कि असाइक्लोवीर और आई ड्रॉप्स देंगे ताकि उसकी आई जो है वो सूखे ना और उसका रेटिना डैमेज ना हो पाए. तो ये सब था बेल्स पाल्सी के बारे में. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.